हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्निंग प्रॉब्लम के बारे में। बर्निंग प्रॉब्लम का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति जल जाता है, उसमें बर्निंग आ जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसको कैसे केयर उसका करते हैं, उसको ट्रीटमेंट कैसे उसका करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बर्निंग के बारे में बात की जाए तो बर्निंग एक ऐसी कंडीशन होती है जो जिसमें पेशेंट किसी भी रीज़न की वजह से जल जाता है, यानी वो सुसाइडल हो सकता है, एक्सीडेंटल या होमिसाइडल कुछ भी प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा जब वो जलता है, मतलब वो अपने आप समझ रहे हैं, आई थिंक आप ये चीज़ समझ रहे होंगे, अचानक से वो जल जाता है ना, या फिर सुसाइडल केसेस होते हैं। कई बार पेशेंट अपने आप को आग लगा लेता है, या कई बार कोई भी व्यक्ति को जला दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में कोई भी रीज़न हो सकता है, और ये जो जलन होती है ये फफोले से लेकर के बड़े बर्निंग पैचेस तक हो सकती है, यानी कि पूरा शरीर भी जल सकता है, छोटा भी हो सकता है, उसको हम लोग बर्निंग ही बोलेंगे। ऐसे में रीज़न जो होता है, मेनली तीन रीज़न की वजह से कोई भी पेशेंट जलता है, जिसमें भाप के कारण जल जाता है। भाप के कारण जला हुआ बहुत खतरनाक होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बर्न होता है, बिजली के द्वारा जल जाता है, या फिर कई बार डायरेक्टली आग से भी पेशेंट जल जाता है। तो ये तीन मेन रीज़न होते हैं। अगर साइन और सिम्टम्स की बात करें यहाँ पे, तो ऐसे हम लोग बाई इंस्पेक्शन देख करके बर्निंग पता कर सकते हैं, तो इस पर कोई वो नहीं है, ठीक है। अभी अगर बात किया जाए दोस्तों कि ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेशेंट की केयर कैसे करें, तो जहाँ पे पेशेंट जला हुआ है वहाँ का टेम्परेचर लेवल को कम करने के लिए कोई ठंडी चीज़ डालें, यानी कि टिश्यू डैमेज ना हो, टेम्परेचर लेवल कम करें, इसके लिए आपको वहाँ पे पानी डालना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि उससे फफोला होता है, लेकिन अगर पेशेंट बिल्कुल जल चुका है तो ऐसे में टेम्परेचर लेवल कम करने का और कोई तरीका नहीं है, तो आपको पानी से उसको कम करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ में पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करना है। ये सब फर्स्ट एड की बातें हैं, आपको क्या करना है। तो सबसे पहले पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करना है, देखना है पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है। वाइटल साइंस चेक करना है, पेशेंट जिंदा है नहीं है। बाकी और भी साइंस जो होते हैं, जैसे पल्स रेट चेक करना, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में, मतलब वाइटल साइन के बारे में आपको वीडियो है आपका चैनल पर, आप देख सकते हैं। बाकी डिटेल में एक वीडियो हम लोग जल्दी से बनाने वाले हैं। बर्न की सीवियरिटी जानने हेतु आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहिए, यानी कि बॉडी का परसेंटेज कैलकुलेट करें कि कितना जलन हुआ है, कितना जला हुआ है, उसके डेप्थ का पता करें। इसके बारे में वीडियो दोस्तों बना दिया गया है, आप चैनल पर देख सकते हैं कि कैसे उसे उसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा बर्न एरिया पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से सफाई करनी चाहिए। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन क्या होता है कि जो बर्निंग का एरिया है वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होने देता। एक ऑइंटमेंट आता है सिल्वर सल्फाडाइजीन, तो इसके द्वारा भी जले हुए भाग को आप साफ कर सकते हैं, उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग केयर करते हैं। अभी अब बात करते हैं कि मेडिसिन कौन कौन सी दी जाती है, इंजेक्शन कौन कौन सा दिया जाता है। दोस्तों, जब कोई भी पेशेंट जलता है तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ऐसे में दर्द को तुरंत कम करने के लिए इंजेक्शन डाइनापार दिया जाता है, जिसके अंदर में डाइक्लोफिनेक होता है 75 mg, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं और पेशेंट को दे सकते हैं। 1 ml का एम्पुल होता है, आप इसे IM दे सकते हैं पेशेंट को। साथ में टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन, TT का इंजेक्शन लगाया जाता है, 0.5 ml IM दिया जाता है ये, जिससे टिटनेस की समस्या ना हो। इसके अलावा अगर पेशेंट IV फ्लूड लेने लायक है तो उसको IV फ्लूड दिया जाता है, रिंगर लैक्टेड या फिर डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, ये तुरंत देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपको कैप्सूल्स देनी होती हैं पेशेंट को, जिसमें एमोक्सिसिलिन 500 mg की कैप्सूल, मॉक्स कैप्सूल आती है, जो एक गोली आपको सुबह शाम पेशेंट को देना होता है। ये एलर्जी और जो इन्फेक्शन होता है उसको कम करती है। साथ में एक मल्टीविटामिन सीरप A2Z आता है, या फिर कोई भी आप ब्रांड ले सकते हैं मल्टीविटामिन का, वो 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम दो दो चम्मच देने की सलाह देते हैं। साथ में हाई प्रोटीन रिच डाइट लेने की सलाह दी जाती है। इसके साथ में दोस्तों, अगर बर्न की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे में कुछ और इंजेक्शन देते हैं, जिसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट 1 ampoule IV सुबह, दोपहर, शाम पेशेंट को दिया जाता है। जब तक ट्रीटमेंट चलता है तब तक फ्लूकोनाजोल का 100 ml का इंजेक्शन दिया जाता है, और ये सिरा मार्गनी IV ही दिया जाता है पेशेंट को। साथ में इंजेक्शन मोनोसेफ 1 ग्राम, जिसमें सेप्ट्रेक्जोन होता है, उसे भी IV सुबह शाम दिया जाता है। ये घाव को भरने में सहायता करती है, साथ में इन्फेक्शन होने से रोकती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात किया बर्निंग के बारे में।
वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। हमारा हेल्थ मगे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।